हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे नमकीन चना मसाले, तो बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कटोरी काबुली चना लिया है। इसे मैंने 7 से 8 घंटे भिगो के रख दिया था रात भर के लिए। अब मैंने इसका सारा पानी निचोड़ लिया है। अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन इससे पहले, बनाने से पहले, मैं इसको एक सूती कपड़े में इसका सारा पानी, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, वो सारा निकाल लूँगी। देखिए, मैंने यहाँ पे एक रुमाल ले लिया है। रुमाल की सहायता से मैं इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सारा निकाल लूँगी। आप इसकी जगह सूती कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। सूती कपड़ा इसलिए लिया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है ना, वो पानी जल्दी सोख लेता है। अब ये सारे मैं 2 से 3 मिनट के लिए सुखा के रख देती हूँ, जब तक मैं अपना ऑयल गरम कर लेती हूँ। देखिए, मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर देती हूँ, मुझे अपना ऑयल गरम करना है। देखिए, गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं, जब तक मेरा ऑयल गरम होता है, जब तक मैं सूती कपड़े की सहायता से अपने चनों का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेती हूँ, फिर मैं इन्हें फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, आप चनों को ना हाथों की सहायता से हल्का हल्का ऐसे प्रेस कीजिए। ज़्यादा आपको इनको ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। हमारे चने काफ़ी हद तक, मतलब सही हो चुके हैं, ये पकने लायक हो चुके हैं कि अभी हम इन्हें फ्राई करें। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, पानी सारा निचड़ चुका है हमारे चनों का, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करना चालू करते हैं। हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें अपने चने डालती हूँ। हमें इन चनों को मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है धीरे धीरे, और हमें इसे ब्राउन होने तक पकाना है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे ना, तो सारे चने जो है ऑयल के ऊपर तैरने लगेंगे। अभी देखिए, ऐसे बुलबुले से छूट रहे हैं इसमें से, लेकिन हमें इसे मीडियम आंच में ही पकाना है। हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो ये जल जाएंगे और कभी सही से कुक भी नहीं हो पाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो पकाते हैं इसे। इसमें चलाते रहिए अच्छे से, नहीं तो ऐसा होगा कहीं से ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन नीचे से नहीं सिक पाएंगे। इसलिए इन्हें चमचे की सहायता से ना आप पलटते रहिए, अच्छे से चलाते रहिए। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, हल्का रंग पे रंग चढ़ने लगा है, हल्के हल्के लाइट ब्राउन पिंक ब्राउन से होने लगे हैं ये। अभी ये ऑयल में बैठे हुए हैं, जब ये ब्राउन हो जाएंगे ना तो ये ऑयल के ऊपर तैरने लग जाएंगे। एकदम क्रिस्पी से हमें ये एक स्नैक्स बना रहे हैं हम, जिसे आप चाय कॉफ़ी के साथ भी खा सकते हैं। वेट करते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे जो चने हैं ना, वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इन्हें बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है सब इसकी हेल्प से मैं सारा निकाल लूँगी बाहर। फ्रेंड्स, अब हम इसी के साथ अपने चनों के ऊपर मसालों की कोटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो चने हैं वो गर्म है, अगर ठंडे हो जाएंगे तो उनके मसालों की कोटिंग नहीं हो पाएगी। तो कोटिंग करने, फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये एक बॉईल लिया है, सो मैंने अपने सारे जो फ्राई हुए हुए चने थे वो डाल दिए। अब मैं इसमें अपने सारे मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अपना अकॉर्डिंग मिर्च ऐड करें।
यहाँ मैं डाल और ऐड कर रही हूँ एक चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं यहाँ पे दो चुटकी हींग ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे दो चुटकी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने पीस लिया था काली मिर्च का पाउडर, दो चुटकी मैंने यहाँ पे लिया है। और इसमें आप काला नमक ऐड करिए अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं आधा छोटी चम्मच ले रही हूँ, आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है। अब मिला लेंगे इनको सबको अच्छे से। आपको फ्रेंड्स आवाज़ आ रही होगी ये कितने क्रिस्पी बने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।